एक जंगल में कलवा कौवा रहता था। वह पूरे जंगल में अकेले ही रहता था क्योंकि कोई भी उसका दोस्त नहीं था। वह हमेशा अकेले रहता था। इस अकेले रहने से वह बहुत परेशान हो चुका था। वह सोचता है, यार ऐसे ही कब तक और कितने दिन तक मैं अकेले ही रहूँगा? यह तो बहुत गलत है। सभी पंछी अपने दूसरे पंछियों के साथ मिलकर रहते हैं, बातें करते हैं, पर मेरा कोई नहीं है इस जंगल में। कभी कभी तो मन करता है यह जंगल ही छोड़ के चला जाऊं, पर क्या करूं, और कहीं घर भी तो नहीं है मेरा। ऐसे ही सोचते सोचते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कलवा कौवा कहीं उड़ते हुए जा रहा होता है, तभी उसे एक घायल हिरन दिखाई पड़ती है। कलवा कौवा तुरंत जाता है और उसकी मदद करता है। कुछ ही देर बाद वह हिरन स्वस्थ हो जाती है और कलवा कौवा से बोलती है, कलवा कौवा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अगर तुम नहीं होते तो आज मेरी जान चली जाती और मेरे बच्चे बेघर हो जाते। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तुमको एक इनाम देना चाहती हूँ, पर इनाम मेरे पास अभी नहीं है। तुम आज शाम को मेरी गुफा के पास आना और वहाँ से अपना इनाम लेकर के जाना। अरे अरे सुनिए हिरन जी, इनाम की कोई जरूरत नहीं है। यह तो मेरा फर्ज था। राह चलते लोगों की मदद मैं करता रहता हूँ। आप यह पहली नहीं है। मैंने आपसे पहले बहुत लोगों की मदद की है। मुझे इनाम की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जाइए और घर जाकर अपने बच्चों की देखभाल कीजिए। वाह कलवा कौवा वाह, मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसा पंछी कहीं नहीं देखा। मैं तुमसे और भी ज्यादा खुश हुई हूँ। अब तो तुम शाम को मेरे यहाँ पे आना ही आना, नहीं तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी और तुम शाम को मेरे यहाँ पे आना और मैं तुम्हें एक चीज दूंगी जिसे पाकर तुम बहुत ज्यादा खुश हो गए। और मैं यह यकीन से कह सकती हूँ, मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी जो पूरे जंगल में किसी भी पंछी के पास नहीं है। इस तरह कलवा कौवा शाम होते ही वह हिरन के गुफा के पास पहुंच जाता है। तब हिरन उसे एक फल देती है और उससे बोलती है, देखो कलवा कौवा, यह एक फल है, पर यह कोई मामूली फल नहीं है। यह फल बोलता है और यह तुम्हारे साथ बातें करेगा। तुम इससे जो काम बोलोगे वो काम भी करेगा और हमेशा तुम अकेले अब रहने से बच जाओगे। मुझे पता है तुम पूरे जंगल में सबसे अकेले हो और कोई जंगल में तुम्हारे साथ नहीं रहता है और न ही कोई बोलता है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे अकेलेपन को दूर करने के लिए तुम्हें यह फल दे रही हूँ। तुम इससे बातें करना और अपने को अकेला मत समझना। ऐसा करके कलवा कौवा उसे घर ले आता है और उसके साथ बातें करना शुरू करता है। ओ फल, आपका नाम क्या है और आप ऐसे कैसे बन गए? मतलब कि दूसरे फल बातें थोड़ी करते हैं पर आप बातें करते हैं, बताइए ऐसे कैसे हो गया? अरे कौन कहता है कि हम लोग बातें नहीं करते? हम लोग बातें करते हैं पर वह किसी को दिखाई और सुनाई नहीं देते। जैसे छोटी छोटी जीव भी आपस में बातें करते हैं, जैसे चींटी मच्छर इत्यादि सब आपस में अपने में बातें करते हैं पर वह किसी को सुनाई नहीं देता। उनकी भी एक फैमिली होती है, उसी तरह हमारी भी एक फैमिली है। हम लोग बातें करते हैं पर एक दिन क्या हुआ कि हमारे जंगल को बहुत से मनुष्य ने आकर काटना शुरू कर दिया। वहीं पे हम लोगों के एक पेड़ बाबा थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने मुझ में ऐसी शक्ति दी कि मैं सभी से बात कर सकता हूँ और सभी को दिखाई भी दे सकता हूँ। इस तरह मैंने सभी मानव से बात किया और उनको इतना डर लगा कि वह लोग जंगल छोड़ के चले गए और हमारे दोस्त लोग कटने से बच गए। तब से यह वरदान मेरे साथ ही है। मैं सभी को दिख सकता हूँ और बातें कर सकता हूँ। और उस दिन उस हिरन ने मुझे उठा करके अपने घर लेके गई थी और वह मेरे से बातें कर रही थी, पर उसने तुम्हें गिफ्ट कर दिया है। अब तुम मेरे अगले मालिक हो।
तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी और तुम्हें तंग बिल्कुल भी नहीं करूंगी।